सोयाबीन की कीमतों में अब एक अच्छी तेजी के बाद एक गिरावट भी देखने को मिल रही है। चाहे वायदा बाजार हो या फिर हाजिर बाजार, दोनों में ही तेजी के बाद गिरावट बनी हुई है। सोयाबीन में तेजी लाने के लिए किसान दिन रात एक कर रहे हैं। किसानों की मेहनत रंग भी ला रही है। विदेशों में भी हमने सोयाबीन की कीमतों में और मांग में तेजी बनती देखी, जिसका असर घरेलू स्तर पर भी देखने को मिला था। वही वर्तमान में शादी सीजन के चलते सोयाबीन तेल की मांग में भी इजाफा देखने को मिला है। लेकिन अब तेजी के बाद सोयाबीन तिलहन में गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल ऊंचे दामों पर सोयाबीन मंडियों में सोयाबीन की खरीद हो रही थी, लेकिन प्लांटों के लिए भाव काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और खरीद फरोख थोड़ी कम भी हुई है। उधर वायदा में सोयाबीन में सटोरिए एक्टिव हुए हैं और तेजी लाने के बाद अब सोयाबीन में मुनाफा वसूली कर सोयाबीन का वायदा खाली कर रहे हैं। चीन से सोयाबीन की डिमांड गिरने और वायदा सोयाबीन पर 5% एडिशनल मार्जिन से भी इसकी कीमतों पर दबाव बना है। वायदा बाजार की बात करें तो हमने सोयाबीन में पिछले सप्ताह भाव 6900 के ऊपर जाते देखे थे, लेकिन उन स्तरों पर भाव सस्टेन नहीं हो पाए और कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। वायदा में सोमवार को NCDEX पर सोयाबीन में 6% का लोअर सर्किट भी लगा था, जिसके बाद कीमतें अब वायदा में नीचे 6093 तक जा चुकी हैं। अब किसान और व्यापारी इस असमंजस में पड़ गए हैं कि क्या सोयाबीन में गिरावट और गिर रहेगी या फिर निचले स्तरों से खरीदारी निकलेगी। इस पर बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का कहना है कि सोयाबीन में ये गिरावट का दौर अभी जारी रह सकता है। NCDEX पर सोयाबीन वायदा की कीमतें और नीचे जाती नजर आ सकती हैं, लेकिन सोयाबीन में गिरावट के बाद तेजी की भी संभावना बनी हुई है। अमित सजेजा के मुताबिक लगभग 3 से 4 हफ्तों में सोयाबीन में फिर से तेजी बनती नजर आ सकती है और कीमतें ऊपर में एक बार फिर से 6900 से लेकर 7000 का भी लेवल छू सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।